रजनीकांत इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेहद पॉपुलर एक्टर हैं। उन्होंने साउथ ही नहीं बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई है। रजनीकांत के फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। रजनीकांत के करोड़ों फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। 12 दिसंबर 1950 को रजनीकांत का जन्म बेंगलुरु के मराठी परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में जन्मे रजनीकांत ने अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष की बदौलत टॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी काफी नाम कमाया। साउथ में तो रजनीकांत को थलाइवा और भगवान कहा जाता है। दरअसल फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने वाले रजनीकांत असल जिंदगी में जरूरतमंदों की दिल खोलकर मदद भी करते हैं। वे रियल लाइफ इंस्पिरेशन भी हैं। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनके पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था और वे हवलदार थे। चार भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे थे। जब वे सिर्फ 4 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पूरा परिवार टूट गया था। रजनीकांत को घर की खस्ता हालत का एहसास हुआ और फिर उन्होंने कूली का काम करना शुरू किया। उन्होंने बढ़ई का काम भी किया। कुछ समय बाद उन्हें बेंगलुरु परिवहन सेवा में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। रजनीकांत काम तो कर रहे थे लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया काफी लुभाती थी। वे पर्दे पर आकर एक्टिंग करना चाहते थे। कंडक्टर की नौकरी करते हुए ही उन्होंने कन्नड़ रंगमंच में काम करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद फिल्मों में काम करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए रजनीकांत ने अपने एक दोस्त की मदद से 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और एक्टिंग में डिप्लोमा हासिल किया। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्व रागन गाल थी। इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन और श्रीविद्या भी थीं। 1975 से 1977 के बीच उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में कमल हासन के साथ विलेन की भूमिका ही की। लीड रोल में उनकी पहली तमिल फिल्म 1978 में भैरवी आई। ये फिल्म काफी हिट रही और रजनीकांत स्टार बन गए। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। उनका अलग स्टाइल उनकी पहचान बन गया। जल्द ही अपने बोलने के अलग अंदाज और दमदार अभिनय की बदौलत वे साउथ सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। साउथ में शोहरत की बुलंदियां छूने के बाद रजनीकांत ने बॉलीवुड का रुख किया और फिल्म अंधा कानून से डेब्यू किया। बॉलीवुड में भी अपनी दमदार एक्टिंग और सिग्नेचर स्टाइल से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। उनका सिगरेट को फ्लिप करने का अंदाज हो या सिक्का उछालने का यूनिक स्टाइल हो या चश्मा पहनने और हंसने का अंदाज सभी को काफी पसंद आया। देश ही नहीं विदेशों में भी रजनीकांत की स्टाइल को कॉपी किया जाता है। रजनीकांत के जन्मदिन पर हम यही दुआ करते हैं कि वो दर्शकों के दिलों में ऐसे ही राज करते रहें और कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड्स बनाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।